सब्सक्राइब कीजिए सबसे के जाने चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और पाइए सारी लेटेस्ट वीडियो टेक्नोलॉजी की। ये चैनल बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल सबसे के जाने में बहुत बहुत स्वागत है। आपने एकदम बिल्कुल सही पढ़ा है कि 149 रुपये में आपको 2 GB पर मंथ के हिसाब से 1 साल तक डेटा मिलेगा। लेकिन ये डेटा मिलेगा कैसे और 4 ऑफर निकले हैं, ये तो सिर्फ एक ऑफर मैंने आपको हेडलाइन के अंदर बताया है, 4 ऑफर ऐसे मिले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले JioFi खरीदना पड़ेगा। JioFi क्या होता है, एक छोटा सा वाईफाई हॉटस्पॉट होता है, जैसे एयरटेल का होता है 4G का, वो जियो वालों का JioFi होता है। तो आपको वो खरीदना ज़रूरी है और नया कनेक्शन लेना ज़रूरी है, उसी के साथ आपको ये ऑफर्स मिलेंगे। तो अब बात आती है कि वो JioFi कितने का आएगा। JioFi आएगा 2000 रुपये का, ठीक है, 1999, 1 रुपये का मैं 2000 में, 2000 रुपये का JioFi आएगा। 99 रुपये की प्राइम मेंबरशिप आपको लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद आपको 4 ऑफर मिलेंगे। तो 4 ऑफर वो क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑफर है 149 का। 149 जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 1 महीने 2 GB मिलेगा, तो ऐसे पूरे साल तक आपको 2 GB मिलेगा 12 महीने, तो आपके टोटल 24 GB हो गया। इसका मतलब आप अगर 149 रुपये 99 प्लस 1999 का JioFi खरीदते हैं तो आपका क्या होगा कि ओवरऑल देखा जाए तो 2200-2300 रुपये के आसपास आपकी कॉस्ट बैठेगी, जिसमें आपको हर महीने 2 GB डेटा यूज़ करने को मिलेगा 1 साल तक के लिए। अब बात आती है अगला प्लान कौन सा। अगला प्लान है आपका 309 रुपये का। वो आपको पर डे 1 GB डेटा यूज़ करने के लिए देगा और उसका जो मंथ होगा वो 28 डेज़ का होगा। तो वैलिडिटी उसकी कितनी होगी, वैलिडिटी की बात आती है तो वैलिडिटी 6 मंथ होगी। तो 6 मंथ 28 डेज़ के हिसाब से 168 डेज़ हो गया, तो आपको 168 GB यूज़ करने के लिए मिलेगा 309 के रिचार्ज में, और साथ में 99 और 1999 जो आपको लेना ही पड़ेगा, वो तो हर किसी में आपको लेना ही लेना। उसके बाद ये ऑफ़र मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात आती है तीसरे ऑफ़र की। तीसरा ऑफ़र है आपके पास 509 रुपये का। 509 रुपये में क्या है कि आपको डेली 2 GB डेटा मिलेगा और 1 महीना 28 डेज़ का वो काउंट करेगा। तो जो डेली 2 GB डेटा मिलेगा वो आपको मिलेगा 112 दिन के लिए। इसका मतलब 4 मंथ, 28 डेज़ के हिसाब से 112 दिन 4 महीने होते हैं उसके, ठीक है। वैसे तो 30 दिन का 1 महीना होता है, लेकिन ये 28 डेज़ के हिसाब से सारे, कोई भी एयरटेल हो, जियो, वोडाफोन, 28 डेज़ के हिसाब से आप पैकेज निकालते हैं, ठीक है। तो आपको टोटल डेटा 224 मिलेगा, 224 GB। तो 224 GB डेटा, इसका मतलब 112 दिन तक पर डे का 2 GB। ये था 509 रुपये के चार्ज। अब बात आती है सबसे बड़े रिचार्ज 999 रुपये की, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसको शायद कोई लेगा भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 120 GB डेटा मिल रहा है। लिमिट है सिर्फ 120 दिन की। 120 दिन के अंदर आपको 120 GB डेटा मिलेगा, चाहे आप एक दिन में उसको 120 GB डेटा को ख़त्म करो, चाहे पूरे 120 दिन के अंदर 120 GB को ख़त्म करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब उसने 120 दिन दे दिया और 120 GB डेटा दे दिया, आप उसको अपने हिसाब से यूज़ करो। तो अब आप देखो 309 रुपये में आपको 168 GB मिल रहा है 168 डेज़ के साथ, तो आप 999 रुपये का क्यों लोगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मैंने एकदम आपको क्लियर करके सब कुछ समझाया है। बहुत से चैनल पे आपको कंफ्यूजन करेंगे कि पर डे का 2 GB मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, और उसके बाद आगे कुछ और बोलते हैं, स्टार्टिंग में कुछ और बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको सीधा सिक्वेंस क्लियर वाइज बताया, ठीक है। चार्ट तो इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, वो सारे वेबसाइट बनाने वाले भी हम ही यूट्यूबर में से होते हैं, ठीक है। आपको अगर चेक ही करना है तो जियो की वेबसाइट पे ही जाके चेक करना। तो ये थी मेरी वीडियो, ऐसी वीडियो आपको मैं ला के देता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, आपके एक लाइक पर ही मेरी सारी मेहनत टिकी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।